हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 किलो गाजर ली हूँ, इसे मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर ली। अब चलते हैं गैस पे। एक पैन हमने गैस पे रखे हैं, उसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और इसमें हमने ग्रेट करी हुई गाजर ये सारी ऐड कर दी है हम इसमें। अब गाजर को जितने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं उतने ग्रेटर बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हलवा बहुत अच्छे से पके। ये सारी गाजर हमने इस पैन में ट्रांसफ़र कर दी है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसे हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम अभी हाई ही है, इसे 5 मिनट ढक कर पकाएंगे हम। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गाजर का हलवा लाल वाली गाजर जो आती है उससे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो खाने में मीठी होती है और टेस्ट भी उसका अलग होता है, क्योंकि विंटर में सीजनेबल गाजर अलग ही होती है। और अगर आप ज़्यादा मोटी वाली गाजर लेते हैं तो उसके बीच वाला पोर्शन जो थोड़ा हार्ड रहता है येलो येलो सा, उसे आप निकाल दें, उसके ऊपर का रेड रेड भाग उसे ग्रेट करें, उसका हलवा बनाएं। इस गाजर के हलवे को चलाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हमने ढक के पकाए हैं और 5 मिनट हमने खुले में पकाए हैं। सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना खाएं तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आज मैं गाजर का हलवा बेसिक से सामान जो घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से बना रही हूँ। आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें हम 1 ग्लास दूध डालेंगे, ये करीबन 200 ml दूध होगा। कप से नापे तो 1 कप होगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक के और 5 मिनट पकाएंगे। हम इसे मिक्स करेंगे। बीच में मैंने 2 बार और ढक्कन हटा के इसे चला दी थी। देखिए दूध रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप जितना शुगर डालेंगे। शुगर अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करें उतना। इसे भी मिक्स करेंगे। शुगर डालने के बाद में ये हलवा और थोड़ा गीला गीला सा होगा, क्योंकि शुगर पानी छोड़ेगी अपने, उसमें भी हमें इसे पकाना है अच्छे से। शुगर के साथ भी अच्छे से और पक जाएगा। देखिए शुगर मेल्ट हो गई है, शुगर ने अपना पानी और छोड़ा है, इसे भी हमें अच्छे से पकाना है। इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे हम। इस टाइम पर हमें इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून करीबन चिरंजी होगी। ड्राई फ्रूट्स आप आपके पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई से भी। ये बादाम है, इन्हें हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। और ये किशमिश है, इन्हें भी बीच में से 2 टुकड़े कर लिए मैंने, ये भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस 2 मिनट और इसे पका लेंगे। देखिए पानी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। यह हलवा हमारा बनकर तैयार है। इसका फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। इसे हम एक बाउल में निकालते हैं
ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।